हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपने व्हाट्सएप के फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं? दोस्तों, आप लोग भी बोर हो चुके हैं पुराने स्टाइल से, मतलब जो आपके होम स्क्रीन पर आता है व्हाट्सएप के अंदर, वो आप लोग चेंज करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कि दोस्तों, आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए, आप लोग अपने फोन के अंदर ही एक सेटिंग से आप लोग अपने मर्जी के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप कस्टमाइज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल। कैसे कर सकते हैं, अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां मैं बताऊंगा डिटेल्स में जो कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन सभी के लिए। तो दोस्तों, आपके व्हाट्सएप कुछ इस तरह होगा होम स्क्रीन, अभी मैं कस्टमाइज करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो कितना अलग लगने वाला है। देखिए, कुछ इस तरह आपके फोन में भी व्हाट्सएप का होम स्क्रीन होगा। आप लोग बोर हो चुके होंगे, ये जो लिखावट है, जिसको आपने नाम सेव किया या ग्रुप का या कुछ भी, देखिए दोस्तों यहां पे देखिए कितना नॉर्मल लग रहा है ये। ठीक है, अभी मैं कस्टमाइज करके दिखाऊंगा कितना अलग लगने वाला है, आप लोग भी हैरान हो जाओगे, सामने वाला भी चौंक जाएगा जिसको दिखाओगे। चलिए दिखाता हूं व्हाट्सएप होम स्क्रीन कस्टमाइज करने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को अपने फोन में सर्च मार लेना थीम्स, ये हर एक के फोन में जरूर मिलेगा, आपके भी फोन में होगा। आप लोगों को क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद, नहीं तो आप लोग सेटिंग में भी जाकर सर्च मार के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा आ गया। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को नीचे में देखिए यहां पे लिख रहा होगा फॉन्ट, यहां पे दिख रहा है आपको फॉन्ट। ठीक है, आप लोग क्या करना है, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद दोस्तों, आप लोग को बहुत तरह, जितने भी तरह के, देखिए कितने सारे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। ये मतलब कर्सिव राइटिंग, सारे राइटिंग्स देखिए दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहीं से अपना कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। दोस्तों देखिए कितने सारे मिल गए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कोई भी, जैसे कि ये, ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, ये वाला सेकंड वाला, इसको करूंगा मैं सेलेक्ट। तो क्या करना है, इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो फ्री डाउनलोड लिखा है, आपको क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, नेट आपका फोन का ऑन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई का, तो उसके पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि क्या किस तरह आपका फॉन्ट स्टाइल होने वाला है, लिखावट कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये कह रहा है कि आपका फोन एक बार रिबूट करना है इसको अप्लाई करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी हमारा फोन एक बार रिबूट होगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अपने व्हाट्सएप की फॉन्ट स्टाइल। ये देखिए दोस्तों, मेरा फोन रिबूट हो गया, अब मैं दिखाऊं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, यहां से कुछ पता चला होगा जितने भी लिखावट है किस तरह चेंज हो गया है। चलिए मैं दिखाऊं अपना व्हाट्सएप ओपन करके। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्क्रीन है, होम स्क्रीन पूरा चेंज होने वाला, कस्टमाइज हो गया। देखिए दोस्तों किस तरह लिखावट आ रहा है, देखिए वाओ यार, टेक गोविंद किस तरह आ रहा है लिखा हुआ, देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए किस तरह लिखा हुआ आ रहा है, देखिए दोस्तों आपके फोन में नॉर्मल्स हो गए। देखिए किस तरह कस्टमाइज हो गया हमारा व्हाट्सएप, जितने भी फॉन्ट स्टाइल है सबके चेंज हो गए हैं। जैसे देखिए मैं टेक गोविंद का खोलूँ, देखिए दोस्तों किस तरह आ गया हमारा नाम लिखा हुआ टेक गोविंद का, देख सकते हैं दोस्तों। कुछ भी आप लोग जब इसमें मैसेज करोगे तो कितना कुछ अलग जाने वाला है। जैसे देखिए अगर मैं इस ग्रुप में कोई मैसेज करूंगा, देखिए दोस्तों किस तरह मैसेज जाने वाला है। ये देखिए वाओ यार, यार देखिए कितना अमेजिंग जा रहा है, मतलब कुछ इस तरह राइटिंग्स लिखा हुआ जा रहा है। जब आप इस तरह टाइप करोगे ना, तो सामने वाला देख के हैरान हो जाएगा, कहेगा वाओ। देखिए दोस्तों किस तरह हमारा मैसेज जा रहा है, देखिए वाओ अच्छा जा रहा है राइटिंग्स, मतलब इस तरह नाम जा रहा है। देखिए कुछ और अमेजिंग आप लोग चेंज कर सकते हैं, देखिए वाओ, कुछ इस तरह आप लोग चेंज भी करना चाहते हैं। अगर आप भी, आपके फ़ोन में अभी तक दिखाऊं मैं दोस्तों कि हमारा पहले वाला व्हाट्सएप कैसा था। देखिए दोस्तों, ये आपका पहले वाला व्हाट्सएप है, ठीक है, और ये हमारा नया वाला व्हाट्सएप है दोस्तों। देखिए ये, देखिए दोस्तों कितना फर्क दिख रहा है, दिख रहा है। ये नॉर्मल व्हाट्सएप सभी के फोन में देखने को मिलेगा, ये आपके फोन में जो भी देखेगा आपको कहेगा वाह यार कैसे किया तू, मुझे बता। देखिए दोस्तों किस तरह लग रहा है, ये देखिए स्टेटस व्हाट्सएप किस तरह अलग चेंज लग रहा है, लग रहा है ना न्यू प्लेयर का, ये हो गया प्रो प्लेयर का फोन, कितना अमेजिंग व्हाट्सएप लग रहा है यार। तो आप भी कुछ इस तरह कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है या आपकी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप लोग टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनते दोस्तों, वीडियो को लाइक करो यार, लाइक में कंजूसी मत करो, बस लाइक कर दो। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाए तो आप लोग मिस ना कर पाए, काफी मजेदार वीडियो लाता रहता हूं अपने चैनल पे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर कोई और भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैं एक बार बता दूं कि देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, ये थीम्स फोन में सर्च मार लेना, आपके फोन में जरूर होगा ये एप्लीकेशन, फोन में डाउनलोड होकर आता है ऊपर से। आप लोग इसको ओपन कर लेना दोस्तों। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को फॉन्ट स्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट दिख रहा होगा, आप लोग क्या करना है, इस फॉन्ट पे टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपका बहुत सारा आ गया, देखिए कितने आ रहा जाएंगे, देखिए दोस्तों वाह। जैसे कि मैं ये बोल्ड वाला कर लूँ, जैसे कि मैं सारे, देखिए देसी गर्ल्स लोग किस तरह रखती है, यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल्स लोग किस तरह अपना मतलब रखती हैं कस्टमाइज। तो इस तरह आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के होम स्क्रीन को। कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो दोस्तों। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, वंदे मातरम।